गुड मॉर्निंग एवरी वन, वंस अगेन वेलकम टू मोटोशीज फेमस। तो आज हम लोग लॉकडाउन के बीच क्या हुआ है, हम लोग को कुछ ना कुछ नया बनाना पड़ता है, दिन में हो या रात में, इवनिंग स्नैक्स हो या डिनर या लंच के लिए। तो आज हम लोग बनाएंगे मटन करी जो है बंगाली स्टाइल। ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है, पर लेकिन जो प्रोपोर्शन है मसाले का, घर का ही मसाला पड़ता है, वो अच्छी तरीके से पड़ने से वो करी बहुत अच्छा लगता है, जो आप रोटी के साथ या चावल के साथ खा सकते हैं। तो आज चलिए देखते हैं कि कैसे मटन करी बनाती हूँ मैं अपने घर के लिए। और ये है मेरा बेलकोनी का व्यू, जहाँ पे आजकल बहुत सारे पौधों में फूल आ रहे हैं, और ये बहुत एक अच्छा व्यू है और मुझे ये जगह बहुत अच्छा लगता है, आप लोगों को पता है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे मटन करी इन बंगाली स्टाइल, एंड होप आप लोग का लॉकडाउन घर में बैठ के वर्क फ्रॉम होम करके अच्छा चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है, यहाँ पे है 600 ग्राम ऑफ मटन, और ये आज मैं पूरा बंगाली जो मटन, बंगाली रेसिपी जो है मटन का, बंगाली स्टाइल मटन, वही बनाऊंगी। तो इसके लिए हम लोगों ने लिया है 3 प्याज और कुछ बारीक कटे हुए, और इसको थोड़ा आप लोग पीस के भी ले सकते हैं ग्रेटर में क्या हुआ है। तो ये है लहसुन, 1 लहसुन और कुछ बारीक कटे हुए प्याज है, और इसको हम लोगों ने ग्राइंड कर लिया है, प्याज को, हाफ प्याज को ग्राइंड कर लिया है, थोड़ा सा हम लोगों ने रखा है देने के लिए, और 1 टोमेटो और जो आलू है यहाँ पे 2 आलू लिए हैं, नहीं 3 आलू लिए हैं। तो आलू जो है ये हम लोगों ने पहले से थोड़ा सा फ्राई करके रखे हैं, और आप लोग ग्रीन चिली को पीस के दे सकते हैं, मैं यहाँ पे काट के दे रही हूँ, थोड़ा तीखा कम होगा इसलिए, और तेज़पत्ता चाहिए। और आप लोग जब स्टार्टिंग में आप लोगों को देना है थोड़ा सा इलायची और दालचीनी, और उसके बाद चलिए देखते हैं उसको बनाते कैसे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट हम लोग मटन को एक कंटेनर में ले लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो सब कुछ है ये हम लोग मिला लेंगे यहाँ पे, पहले से ही वो मिला लेंगे। जो ऑनियन है वो मैं यहाँ पे दे रही हूँ, गार्लिक भी दे रही हूँ, और इसके गार्लिक के साथ है अदरक, 1 पीस ऑफ जिंजर, और ये जो टोमेटो है ये मैं रख दूँगी, और प्याज जो है मैं यहाँ पे दे दूँगी। मैं यहाँ पे दे दूँगी 1 स्पून ऑफ टर्मरिक पाउडर, और यहाँ पे मैं दूंगी 1 स्पून ऑफ सॉल्ट। नमक जो है वो अपने स्वाद अनुसार दीजिएगा। तो ये सब चीजों को मुझे पहले मिक्स कर लेना पड़ेगा अच्छे से। हो गया है, तो चलिए अभी इसको थोड़ा टाइम के लिए मैरिनेट के लिए रख देते हैं, 15 मिनट या 20 मिनट तक। तो यहाँ पे मैं तेल दे रही हूँ, ये मस्टर्ड ऑयल से पकाने से ज्यादा अच्छा है। यहाँ पे मैं दे रही हूँ जो मेरे थोड़ा सा दालचीनी, पेपर और तेजपत्ता।
प्याज रखे थे वो पहले दे देती हूँ। अब आप मटन को अच्छे से फ्राई होने के लिए छोड़ दीजिए। उसको थोड़ा बीच बीच में हिलाते रहिए और मटन फ्राई होता रहेगा और मसाले को अच्छे से मिक्स होने दीजिए। धीरे धीरे मटन जो है अपना पानी छोड़ रहा है। और एक बात का ध्यान रखिए कि मटन जब भी आप पकाएं बहुत धीमी आंच में पकाइए, क्योंकि वो धीमे आंच में वो पानी छोड़ेगा और जितना पानी छोड़ेगा और फिर उसके बाद जो फ्राई होगा वो अच्छा बनेगा तब मटन। बीच बीच में जो है ये हिलाते रहेंगे इसको। और अभी देखिए धीरे धीरे मटन पानी छोड़ रहा है और इसको हिला देना है। इसके बाद जो आलू हमने पहले से फ्राई करके रखे थे तो आलू अभी डाल देंगे, क्योंकि बहुत पहले आलू डाल देने से वो आलू पहले पक जाएगा और मटन नहीं पकेगा। तो बीच में आपको ये जो पोटैटोस है फ्राई किए हुए वो डालना है।
अभी हम लोग इस पे जो कुटी हुई मिर्ची है वो हाफ चम्मच हम लोग कुटी हुई मिर्ची जो लाल मिर्ची है वो मैं डाल रही हूँ जस्ट कलर के लिए या थोड़ा सा उसमें वो तीखापन आएगा। अदरवाइज़ मैंने हरी मिर्ची दिया है और हरी मिर्ची मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो आप लोग अगर चाहे तो रेड चिल्ली पाउडर डाल सकते हैं और नहीं तो मैंने थोड़ा सा कुटी मिर्ची डाला है कि उसमें से कलर आएगा और थोड़ा अच्छा सा फ्लेवर भी। देखिए अभी जो पानी है ये मैंने पानी नहीं डाला, ये मटन से ही पानी निकला है, तो इसको भी हम लोग धीमी आँच में उसको सुखा रहे हैं पानी को और ढक के देना है, क्योंकि मैं ये मटन जो है बहुत अच्छा क्वालिटी है, इसको मैं प्रेशर कुक नहीं कर रही हूँ। अभी इस दौरान मैं इसमें जीरा पाउडर जो है या पिसी हुई जीरा आप डाल सकते हैं, मैंने एक चम्मच जीरा पाउडर डाला है और इसको अच्छे से मिला देंगे। और मैं पहले जो मटन को मैंने मैरिनेट किया था तब मैंने जीरा पाउडर नहीं डाला था, क्योंकि ये ऑलरेडी जो है फ्राइड है, जो जीरा पाउडर है वो रोस्टेड है, तो इसलिए मैंने पहले नहीं डाला था, तभी मैंने जीरा पाउडर मिला दिया है। तो इसको अच्छे से फ्राई होने के लिए मैंने छोड़ दिया है। मैं ये प्रेशर कुक नहीं कर रही हूँ क्योंकि अच्छा क्वालिटी है मटन का, तो मैंने सोचा कि मैं कढ़ाई में बनाऊँ और ये भी पक जाएगा, लेकिन थोड़ा टाइम ज़्यादा लेगा पकने में। तो ये आप लोग का मटन हो गया है रेडी और इसका कलर कुछ ऐसे आया है। अगर इसमें आप और भी रेड चिल्ली पाउडर यूज़ करेंगे तो और कलर अच्छा आएगा, तो मैंने बहुत कम किया है। इसको रोटी के साथ या चावल के साथ खाइए, बहुत टेस्टी होता है।